नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं पीसी पंत आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड ऑनलाइन में आज हम पढ़ेंगे क्लास 4, यानी एक डेमो क्लास और उसके बाद 2 क्लास, यानी 3 क्लास हमारी अभी तक हो चुकी हैं। और दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी पहले ये बात करेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा, उसके बाद ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा, उसके बाद कल हमने मध्यकाल की कुछ चीज़ें पढ़ी थी चंद्रवंश से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास शुरू करने से पहले मैंने बोला है कि प्रतिदिन मैं आपको 10 क्वेश्चन विशेष दूंगा, जो कि बड़े ही विशेष होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा है। वो सभी छात्रों के मुझे रिप्लाई आ रहे हैं कि गुरुजी ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अक्सर वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, टॉपिक लेके आया हूँ, वह लेके आया हूँ काजा क्या है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है दोस्तों। आज मैंने फेसबुक पर भी इस क्वेश्चन को पूछा था, कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। काजा क्या है? तो दोस्तों, काजा क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, काजा क्या है? आधुनिक, जैसे आपने देखा है कई देशों में ये होता है कि महिलाओं को अपने शरीर पर टैटू बनाने का बड़ा ही शौक होता है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। ऐसी ही एक परंपरा दोस्तों, एक परंपरा कह लीजिए, एक सौंदर्य कह लीजिए, उत्तराखंड में भी है, जौनसार भाबर क्षेत्र में। तो दोस्तों, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए अच्छे से। यह जौनसार भाबर में महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की एक अद्भुत विधा है। विधा मतलब तरीका, जिसमें शरीर पर सुई से विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अब दोस्तों, मार्केट में जो टैटू होता है वो अलग टाइप का होता है, ये सुई से होता है अलग तरीके से। इसे सांगटी भी कहा जाता है। तो क्या पता दोस्तों, एग्जाम में कभी इस तरीके से पूछ ले कि सांगटी क्या है या सांगटी प्रथा कहाँ होती है, काजा जो है क्या है, काजा का संबंध किससे है। जैसे जवाड़ एग्जाम में पूछा था ना कि जवाड़ प्रथा का संबंध किससे है, तो आंसर था स्त्री धन से। तो क्या पता इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ ले कि काजा का संबंध किससे है या कहाँ पर ये होता है, तो आंसर होगा जौनसार भाबर क्षेत्र में, जौनसारी जनजाति में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है सांगटी, मैं आपको बताऊंगा। जो ये सांगटी होता है, काजा सांगटी एक ही है, तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है वहाँ पर महिलाएं। ऐसा भी मैंने पढ़ा बुक में दोस्तों कि छोटी उम्र में अगर जो गले का कंठ होता है उसके नीचे महिलाएं अपना सांगटी बना दें, काजा बना दें, तो वह जो जो बड़ी होती हैं तो वह ऐसा लगता है बड़े होकर के जैसे कि बिल्कुल सोने का वह मंगलसूत्र उन्होंने पहना हो, इस प्रकार से, मतलब कंठ के ठीक नीचे पर वो बना देते हैं, जिससे कि वो बड़ा ही आकर्षक लगता है। और शरीर के अन्य भागों में, हाथों में भी इसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये, और दोस्तों इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि यह बुक में है इसलिए। अगला टॉपिक है दोस्तों कार्तिकेय मंदिर। अब दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश हमने पढ़ा था, है ना? तो दोस्तों, वो तो कार्तिकेयपुर राजवंश था, तो यूके ट्रिपल एससी क्या करता है दोस्तों? यूके ट्रिपल एससी की खासियत यह है कि वह मिलता जुलता क्वेश्चन दे देता है, घुमा देता है, आंसर उसका होता है कुछ और। तो हम लोग कार्तिकेयपुर राजवंश से कार्तिकेय मंदिर भी क्या समझेंगे कि चमोली के जोशी मठ में होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, कार्तिकेय जो मंदिर है दोस्तों वो भगवान कार्तिकेय पर आधारित है, शिव जी के बेटे पर, और दोस्तों वह है गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला मैंने बनाया है दोस्तों गंगनाथ मंदिर या गंगनाथ देवता कहाँ होता है दोस्तों? कुमाऊँ के अल्मोड़ा में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी जागर भी लगाई जाती है, जैसे इसको गोरिल देवता भी बोलते हैं। अगला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों गणेश गुफा चमोली में है दोस्तों। अधिकांश गुफाएं चमोली बद्रीनाथ में हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद अगला है दोस्तों गनियात मेला। दोस्तों, गौ से शुरू है, कल हमने गौ और खौ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी और आज मैं गौ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। गणियात मेला कहिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बसंत ऋतु में जौनसार भाबर में ये मेला मनाया जाता है, गणियात मेला। और दोस्तों, उसके बाद अगला जो छठा क्वेश्चन है आज का, वह है गमसाली। दोस्तों, है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको नहीं पता उसके लिए कठिन है। गमसाली कहाँ है?
दोस्तों गमसाली नामक स्थान चमोली जिले के नीति घाटी में स्थित एक गांव है गमसाली। यहां आषाढ़ मास में तीरंदाजी का उत्सव होता है। अब दोस्तों गमसाली करके तो कोई भी बता देगा, लेकिन ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गमसाली नामक स्थान चमोली के कहाँ स्थित है, पिंडर घाटी में है, नीति घाटी में है, बधाण पट्टी में है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों यह कहाँ है, नीति घाटी में है। और यहाँ पर क्या होता है, आषाढ़ मास में यानी अगस्त में तीरंदाजी का एक क्या होता है, उत्सव होता है। ऐसे ही तीरंदाजी का उत्सव दोस्तों कहाँ होता है, वो जौनसार में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गरखा की गरखा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गर्ख शब्द से गरखा बना है दोस्तों। चंद राजाओं के समय में एक प्रशासन की इकाई होती थी गर्ख या गरखा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहां मेरा पैतृक गांव है द्वाराहाट कुमाऊं में, वहां पर जब शालदे बिखोती का मेला लगता है तो वहां पर भी बोला जाता है कि गर्ख, इस शब्द का प्रयोग आज भी होता है दोस्तों। गर्ख मीन्स है द्वाराहाट का एक क्षेत्र। तो ऐसे ही दोस्तों चंदों के समय में, जैसे आजकल होता है हम लोग बोलते हैं कि एक ब्लॉक एक तहसील, ऐसे ही चंदों के समय में गर्ख होता था दोस्तों। तो चंदों में के शासन में कुल ऐसे ही 12 गर्ख थे यानी इलाके थे, ठीक है दोस्तों। तो गर्ख अगर कभी पूछा जाएगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, चंदों के समय में प्रशासन की एक इकाई होती थी। और दोस्तों अगला है गरुड़शिला। गरुड़शिला दोस्तों चमोली में है, नारदशिला भी वहीं है, मुचकुंद गुफा भी वहीं है, ब्यास गुफा भी वहीं है, याद होना चाहिए आपको दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज जरूर कर सकता है दोस्तों, गिर का कौतिक। अब दोस्तों आपने गेंदी का कौतिक, गेंदी मेला पड़ा होगा पौड़ी में, लेकिन दोस्तों यह गेंदी नहीं बल्कि यह है गिर, गिर का कौतिक। दोस्तों गिर का कौतिक जो फेमस है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वह दोस्तों है अल्मोड़ा जिले के माशी नामक स्थान पर। अल्मोड़ा जिले पे मासी कहाँ हुआ दोस्तों, द्वाराहाट के पास में, रानीखेत के पास में पड़ता है दोस्तों ये स्थान, अल्मोड़ा जिले में मासी नामक स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी हॉकी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहले से क्या बनाया जाता था, जानवर के खाल से बॉल बनाई जाती थी, उसके अंदर भूसा वूसा कपड़े उपड़े भर दिए जाते थे, फिर उसको सिल दिया जाता था, बीचों बीच फील्ड में रख दिया जाता था, और फिर उसको लकड़ी से हॉकी टाइप का बना करके उसको जोर से मारते थे और उसको कहते थे गिर। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहाड़ में कुमाऊं में पहले के पुराने लोग क्रिकेट नहीं जानते थे, वो कई समय तक मेरे जो बुबू लोग थे गांव में वो भी कहते थे, जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो कहते थे कि गिर खेलने जा रहे हो, तो गिर ये होता है दोस्तों, गिर का मेला लगता है दोस्तों। आप तो ये मेला ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि पहाड़ी हॉकी किसे कहते हैं, गिर के कौतिक को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है 10वां क्वेश्चन है आपका गिरथी गंगा। अब दोस्तों गिरथी गंगा कहाँ बहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। गिरथी गंगा चमोली जनपद के नीति माणा घाटी में बहती है। नीति और माणा जो घाटी है दोस्तों उसके बीचों बीच में नदी बहती है, और इसका उद्गम पूछा जाएगा तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरथी गंगा जो है किंगरी बिंगरी ग्लेशियर से निकलती है। किंगरी बिंगरी दर्रा कह लीजिए, किंगरी बिंगरी ग्लेशियर कह लीजिए, किंगरी बिंगरी दर्रा जो है वह चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। दर्रे भी आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, और पढ़ना भी आपको चाहिए। तो दोस्तों ये तो था आज का विशेष एपिसोड, विशेष ज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चंद वंश में। मैंने आपको कल भारती चंद तक पढ़ा दिया था दोस्तों, आपने पढ़ा था कि भारती चंद ने क्या किया, चंद वंश के शासन को डोटी के शासन से मुक्त करा दिया था। और आज वहाँ से चंद वंश पार्ट टू में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, चंद वंश को आगे हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं रत्नचंद के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रत्नचंद जो था वह रुद्रचंद्र का, सॉरी भारतीचंद्र का पुत्र था, और अपने पिता के समान बड़ा ही वीर था, और पिता के साथ डोटी अभियान में भी जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, एक है डोटी का क्षेत्र और एक है शीरा का क्षेत्र, दोनों पिथौरागढ़ और नेपाल के बॉर्डर पे हैं दोस्तों। तो होता क्या है कि डोटी को जीतने के बाद रत्नचंद जो है वो शीरा क्षेत्र को भी जीत लेता है। जब अपने पिता के बाद वह गद्दी पर बैठता है भारती चंद के बाद, वो क्या कर लेता है दोस्तों, शीरा के क्षेत्र को जीत लेता है। तो अगर एग्जाम में कभी आएगा क्वेश्चन कि किस चंद शासक ने शीरा पर विजय प्राप्त की, तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका होगा रत्नचंद। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद राजा बना,
उसने डोटी के बाद शिरा क्षेत्र को भी चंद शासन में मिला लिया। शिरा के शासक शोभामल्ल ने पहली बार चंदों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। अब दोस्तों उसी समय शोभामल्ल नाम का एक राजा था, कहाँ पर, शिरा में। तो दोस्तों उसने क्या किया, चंदों के साथ वैवाहिक संबंध बना दिए, यानी अपनी पुत्री का विवाह चंदों से करा दिया। ऐसा इसलिए किया दोस्तों ताकि अभय प्राप्त हो सके, मतलब कि जो चंद शासक हैं वह क्या करेंगे, उनको भविष्य में किसी भी प्रकार का नुकसान न करें, इसलिए उनके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए। और दोस्तों भारत के इतिहास में भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर ऐसा करता था। अकबर क्या करता था, हिंदू राजपूत जो शासक होते थे, जो ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, अगर उनके साथ युद्ध में जीत जाता था तो उनके साथ क्या शर्त रख देता था कि आप अपनी एक पुत्री का विवाह हमसे कराओगे, जिससे क्या होता था, वैवाहिक संबंध हो जाते थे और उसको अभय प्राप्त यानी रिश्तेदारी प्राप्त हो जाती थी। मान सिंह इसीलिए जो था राजा अकबर के साथ जो है संरक्षक के रूप में आगे चल करके सेनापति के रूप में रहता है। ऐसा ही नीति किसने अपनाई दोस्तों, वह अपनाई रत्नचंद ने, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, रत्नचंद जो है वह मध्यकाल में चंद वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने यहाँ पर कुमाऊँ में भूमि बंदोबस्त कराया। दोस्तों भूमि बंदोबस्त करके आगे चल के हमारा पूरा एक चैप्टर होगा और वहाँ से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन जो भूमि बंदोबस्त ऑथेंटिक माने जाते हैं, अंग्रेज़ों के माने जाते हैं, 11 भूमि बंदोबस्त अंग्रेज़ों ने कराए थे, 12वां भारत सरकार ने कराया था, वो सब हम पढ़ेंगे 12 भूमि बंदोबस्त। लेकिन चंद वंश में जो भूमि बंदोबस्त कराया दोस्तों, वह किसने कराया, रत्नचंद ने, ठीक है दोस्तों। भूमि बंदोबस्त क्यों कराया जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड या सेटलमेंट ऑफ लैंड। अच्छा, भारत में जो अंग्रेज़ों ने कराया सबसे पहले भारत में, तो वो लॉर्ड कार्नवालिस ने कराया था, आप सभी को पता होना चाहिए, भूमि बंदोबस्त सबसे पहले, ठीक है, 1791-92 में या कह लीजिए 92-93 में ये करा था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इतिहास में आपको पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चंद वंश की, तो चंद वंश में भूमि बंदोबस्त किसने किया था, रत्नचंद ने। भूमि बंदोबस्त इसलिए करते थे ताकि ज़मीन किसकी है पता चल जाए और उसकी लगान सुनिश्चित की जाए, और जिससे क्या होगा कि लगान से कोई भी बच नहीं पाए, ठीक है। आगे मैं भूमि बंदोबस्त आपको अच्छे से समझाऊँगा, वहाँ आप समझ जाएंगे। कहा जाता है कि अच्छा कीर्तिचंद, उसके बाद अगला है दोस्तों कीर्तिचंद, उसके बाद कौन आए, कीर्तिचंद। और दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको ये सब चीज़ें इतने अच्छे से नहीं समझाई गई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। कहा जाता है कि एक युद्ध में उसने गढ़वाल के राजा अजय पाल को भी हरा दिया था, किसने, कीर्तिचंद ने, रत्नचंद का बेटा था दोस्तों। कीर्तिचंद बड़ा ही, कीर्तिचंद भी बोलते हैं, बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था दोस्तों। होता क्या है, अजय पाल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अजय पाल इतना महान शासक हुआ कि उसने गढ़वाल के 52 गढ़ों पर अधिकार किया, और उसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन वह भी अपने पहले युद्ध में कीर्तिचंद से युद्ध हार गया था, और फिर बाद में उसने अपनी सेना बनाई और कीर्तिचंद को भी हरा दिया था। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि अजय पाल ने कत्यूरों से उनका सोने का सिंहासन भी छीन लिया था, वो सब हम पढ़ेंगे आगे दोस्तों। कीर्तिचंद के बाद जो अगला शासक आता है वह आता है प्रताप चंद्र, लेकिन इसके समय में कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना नहीं होती है। उसके बाद होता है दोस्तों ताराचंद, तो इसके समय में भी बिल्कुल शांति का माहौल रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, यानी कीर्तिचंद, रत्नचंद के बाद कीर्तिचंद, कीर्तिचंद के बाद प्रताप चंद्र, ताराचंद, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाता है, कई छात्रों ने आज तक पढ़ा भी नहीं होगा, ये कमेंट करना दोस्तों, अगर जो ये चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ माणिकचंद के बारे में, जिन जिन छात्रों को माणिकचंद के बारे में पहले से जानकारी थी, जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। लेकिन माणिकचंद के बारे में जो मैं आपको तथ्य आज बताने जा रहा हूँ, जो भी छात्र मेरी क्लास देख रहे हैं, यदि पहली बार वो इस तथ्य को जान रहे हों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, यदि जिसको पहली बार पता चल रहा हो
तो प्लीज़ यूट्यूब में नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कैसे कीजिएगा कि सर जी माणिक चंद के बारे में हमें जानकारी पहली बार मिली, ऐसे करके आप कमेंट करना नीचे, ठीक है। और जिसको अगर पहले से जानकारी थी तो वो कमेंट मत करना, ठीक है। अच्छी बात है, आपका रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। तो माणिक चंद के बारे में एक गजब की जानकारी आपको बताता हूँ दोस्तों, और मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पीसीएस में आ चुका है। 1541 ईस्वी के आसपास इसका शासन था दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों, माणिक चंद, अब एक चीज़ सुनिए, 1541 ईस्वी में दिल्ली में जो शासन था शेरशाह सूरी का आया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में जो है हरा करके खदेड़ दिया था, और उसके बाद वह दिल्ली का शासक बन गया था। कौन? शेरशाह सूरी, सूर वंश का था। तो दोस्तों उसके समय में एक वहाँ पर विद्रोही राजा हो गया, उसका नाम था खवास खां। विद्रोही मतलब जिसने शेरशाह सूरी की बात को नहीं माना, विद्रोह कर दिया, खवास खां। तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने उसे मारना शुरू किया, जब मार पड़ी तो वह भाग भाग करके कहाँ आ गया दोस्तों, कुमाऊँ, ठीक है, कुमाऊँ में उसने शरण ली थी। ध्यान से सुनिए, दिल्ली के सूर शासक विद्रोही खवास खां द्वारा भाग कर कुमाऊँ में शरण ली गई थी। वह भाग करके माणिक चंद के पास आया था, और दोस्तों माणिक चंद को जब दिल्ली के शासक ने बोला कि इसको छोड़ो, तो उसने मना कर दिया दोस्तों। उसने बोला कि शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं जो है तुम्हें नहीं सौंप सकता हूँ। ऐसा ही दोस्तों कहाँ होता है, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में, गढ़वाल के राजा। पृथ्वीपति शाह जो थे, पृथ्वी राज नहीं दोस्तों, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, सुलेमान शिकोह को जो है वो देते हैं आरक्षण, आश्रय देते हैं। सुलेमान, सुलेमान शिकोह कौन होता है दोस्तों, दारा शिकोह यानी औरंगजेब का जो है बड़ा भाई होता है, दारा शिकोह उसका बेटा होता है। उसको 1658 ईस्वी में शरण दे देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ चुका है, तो वो एग्ज़ाम में आ सकता है दोस्तों। खवास खां भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली के किस विद्रोही शासक ने भाग करके, सूर शासक के डर के मारे भाग करके कुमाऊँ में शरण ली थी, या पूछा जा सकता है किस चंद शासक ने उसे शरण दी थी, तो आंसर होगा माणिक चंद। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भीष्म चंद, ठीक है दोस्तों, भीष्म चंद इसके बाद आया दोस्तों, अगला शासक आया भीष्म चंद। और दोस्तों भीष्म चंद तो है ही इंपॉर्टेंट, 1555 से 1560 लगभग उनका शासन माना गया है। अल्मोड़ा में खगमरा का उन्होंने किला बनाया, और दोस्तों ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया गया है, खगमरा का किला कहाँ बना था। वैसे भी आजकल अल्मोड़ा के किले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मल्ला महल पूछा जा रहा है, फोर्ट मोयरा पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा करना चाहते थे, कौन, भीष्म चंद। उन्होंने विचार किया, लेकिन दोस्तों भीष्म चंद की कोई भी संतान नहीं थी, और उनकी जब कोई भी संतान नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, बालो कल्याण चंद नामक युवक को जो है गोद लिया। किसको, बालो कल्याण चंद को, यानी वो दत्तक पुत्र था, और बालो कल्याण चंद ने फिर बाद में अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करी, तथा 1563 ईस्वी में आलमनगर के नाम से अल्मोड़ा नगर को बसाया। दोस्तों अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों आलमनगर। अब दोस्तों आलमनगर नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा दोस्तों, उस समय संपूर्ण देश में, भारत में मुगल साम्राज्य का जो है बोलबाला था, तो मुगलों के यानी मुस्लिम समाज का ज़्यादा प्रभुत्व होने के कारण इसका नाम रख दिया गया आलमनगर। और दोस्तों आलमनगर से अल्मोड़ा कैसे हुआ, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। अल्मोड़ा में एक घास होती है दोस्तों, चलमोड़ा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, चलमोड़ा। चलमोड़ा घास क्या होती है दोस्तों, मैंने भी देखी हुई है, खट्टी खट्टी घास होती है, या कह लीजिए एक पौधा होता है दोस्तों, जैसे कहीं पर किसी चींटी ने काट लिया, मक्खी ने काट लिया, या विषैला पदार्थ लग गया, तो उसको रगड़ करके, उस घास को रगड़ के लगा देते हैं दोस्तों, वह भी सही हो जाता है। चलमोड़ा घास बड़ी जो है उसके जड़ भी काम आते हैं दोस्तों, और उसकी चटनी भी बनती है, कई लोग चलमोड़ा की चटनी भी बनाते हैं दोस्तों, और बड़ी आयुर्वेदिक वो औषधि भी होती है। तो चलमोड़ा के नाम पर इसका नाम आगे चल के अल्मोड़ा पड़ गया दोस्तों, लेकिन इसका प्रारंभिक नाम क्या था,
आलमनगर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला जो शासक आता है बालो कल्याण चंद्र के बाद आता है दोस्तों महान शासक रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? रुद्रचंद्र इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, अकबर के समकालीन था। अकबर के समकालीन इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अकबर 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक करता है, 55 में करता है, फिर उसके बाद 56 में वो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है और वहाँ से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन चलता है। पहले तो अकबर बच्चा था, ठीक है, इसलिए इस बीच रुद्रचंद्र का शासन रहता है, तो इसको कहा जाता है अकबर के समकालीन चंद्र शासक। एक क्वेश्चन आपका ये इम्पोर्टेंट बन गया दोस्तों। ये जो नोट्स मैं आपको ये रुद्रचंद्र के बारे में बता रहा हूँ, अजय रावत जी की बुक में इसको साफ साफ समझा रखा है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, वन विभाग के पेपर में दोस्तों ये प्रश्न आया था कि कौन सा ऐसा चंद्र शासक था जिसने जो है कुमाऊँ से जा कर के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जो है शिरकत करी। यानी ऐसे पूछा गया था कि अकबर के दरबार में, मुगल दरबार में जाने वाला पहला जो है वो चंद्र शासक कौन था, तो दोस्तों उसका सही आंसर है रुद्रचंद्र। अब दोस्तों यदि आप ध्यान से समझो, ये वन विभाग के पेपर में पूछा था और दोस्तों मेरे पास प्रूफ है कि मैंने ये क्वेश्चन जो था पिछली बार अपनी जो ऑनलाइन क्लास थी जो मैंने 15 अगस्त से दिसंबर तक चलाई थी दोस्तों हाईकोर्ट क्लर्क के लिए, उसमें भी कराया था, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है, पिछले साल के नोट्स भी हैं। मैं आज ग्रुप में जो है इसको दिन में डाल दूंगा, आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा उस बार की वीडियो का, और वहाँ मैंने बोला भी था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके दोस्तों, देखो एग्ज़ाम में आ गया। अब दोस्तों इस बार पूछा गया था कि कौन चंद्र शासक गया था, तो उसका आंसर था रुद्रचंद्र। दरअसल दोस्तों ये क्यों पूछा गया एग्जाम में इसको समझिए दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया था कि तुगलक दरबार में जाने वाला शासक कौन था, तो दोस्तों वो कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद। तो दोस्तों जब वो मध्यकाल में जो गरुड़ ज्ञानचंद था, वह जो दिल्ली सल्तनत काल था, तो दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के शासनकाल में वहाँ पहुँचा, और रुद्रचंद्र कहाँ गया, मुगलों के समय में गया। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने जान पूछ करके एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा। और दोस्तों हम कौन होते हैं पढ़ाने वाले, हम तो मात्र एक माध्यम है, हमने भी अजय रावत की बुक से पढ़ा, अजय रावत की बुक में साफ साफ दे रखा है। तो जो छात्र अपने मन में ये कुंठा पालते हैं कि पढ़ाई में से कुछ नहीं आता है या बुक से कुछ नहीं आता है दोस्तों, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि हम भी बुक से ही पढ़ते हैं, बुक से ही आपको पढ़ाते हैं, और पेपर बनाने वाला भी बुक से ही पेपर बनाता है। तो इस प्रकार ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि चुन चुन करके मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पिछले बार की ऑनलाइन क्लास में, और नीचे कमेंट भी करना, कई छात्र ऐसे भी हैं इसमें जो पिछले बार की ऑनलाइन क्लास मेरी देख चुके हैं ये वाली, तो वो भी नीचे कमेंट जरूर करना, जरूर जरूर, मुझे आपके कमेंट से एक ऊर्जा मिलेगी और अच्छे तरीके से पढ़ाने का साहस बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मुँह से कहना बहुत आसान है लेकिन डेली एक घंटा आधा घंटा लेक्चर देना, वो भी फ़ोन के आगे, बहुत ही टफ होता है दोस्तों। अपने आप को समझाना है, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े नहीं हो अभी, ठीक है, मैं आपको एक फ़ोन के माध्यम से ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। सामने क्लास में पढ़ाना तो अच्छा रहता है छात्रों के सामने, लेकिन ये बड़ी एक चैलेंजिंग होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भले ही फ्री में, तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप इतना पढ़ने के बाद नोट्स जरूर बनाइएगा अच्छे से, कोई मैं एहसान मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, हल्के में मत लेना किसी भी तथ्य को, क्योंकि जो थोड़ा भी इधर उधर का तथ्य है वो मैं बताता ही नहीं हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अकबर को एक तिब्बती याक होता है दोस्तों, उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, कस्तूरी मृग की खाले आदि भेंट की थी, किसने भेंट की थी, रुद्रचंद ने। अब भाई जब मित्र से मिलने जाएगा तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, उसको जो है भेंट देगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है किस चंद्र शासक के अकबर से संबंध अच्छे थे, रुद्रचंद के दोस्तों। तो आप जब वहाँ जाएगा उसकी बड़ी तारीफ करेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही।
मुगल दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक था। उसके समय में तराई क्षेत्र को 84 माल या नौलखिया माल कहा जाता था। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार भी बताया था। तो दोस्तों रुद्रचंद को क्या हुआ, अकबर ने तराई का हिस्सा सौंप दिया, बोला कि तुम जाओ उधर पे और हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा कोई व्यक्ति उधर पे जो है शासन नहीं करेगा, तुम जाओ वहाँ पर शासन करो। कहाँ पर, तराई क्षेत्र में, रुद्रपुर वाले क्षेत्र में। तब रुद्रचंद ने रुद्रपुर को बसाया। दोस्तों उस समय जो तराई का क्षेत्र था, आज भी है, उस समय क्या बड़े ही जो है उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर 9 लाख रुपये की सालाना आय होती थी। 84 मील जो क्षेत्र था उसमें ये फैला हुआ था, यानी दोस्तों 1.6 किलोमीटर का, 1600 मीटर का एक मील होता है, तो 84 मील में ये फैला हुआ था। लगभग ऐसा कह लीजिए करीब 120 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। तो इसलिए 84 माल उसको कहा गया, नौलखिया माल इसलिए कहा जाता था तराई क्षेत्र को, क्योंकि 9 लाख रुपये की इनकम यहाँ पर आगे चल के भी होती थी अंग्रेज़ों को भी, ठीक है दोस्तों। तो ये उस समय ऐसा बोला जाता था, अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा किस भाग को 84 माल या नौलखिया माल कहा जाता था, तो आप कहोगे तराई भाग को। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद बड़ा ही धर्म का बड़ा ही पक्का था, और दोस्तों धर्म निर्णय नाम की उसने एक सामाजिक पुस्तक निकाली थी, यह प्रश्न भी आपके लिए पूछा जा सकता है। चौथानी ब्राह्मणों को की एक मंडली बनाई थी दोस्तों, चौथानी ब्राह्मण मतलब जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे उनकी एक प्रकार से अलग से मंडली बनाई थी। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताता हूँ, औली ब्राह्मणों की स्थापना करी। अब कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे औली क्या था, दोस्तों मैं बताता हूँ। औली शब्द बना ओला से, किससे बना, ओला से। ये दोस्तों अगर आप, मैंने पढ़ा है, अगर आप कुमाऊँ का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी का पढ़ो तो वहाँ भी इसके बारे में वर्णन है, औली ब्राह्मणों के बारे में। दोस्तों मुझे मेरे पिताजी ने भी बताया था और गांव में बुजुर्गों ने भी बताया था कि क्या होता था पहले से कुमाऊँ में, खासतौर पर गढ़वाल तो मैं नहीं कहूँगा, मैंने पढ़ा भी नहीं है गढ़वाल का ज़्यादा इतिहास, हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखा है, मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैंने कुमाऊँ के इतिहास में भी पढ़ा है कि ऐसा होता था गांव में, जैसे कभी ओले पड़ जाते थे, उसको डाव कहते हैं, ठीक है, तो ओले पड़ जाते थे, तो ओले क्या होते हैं, ओले से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो गांव में कुछ लोग ऐसा टंट मंट भी जानते थे, ऐसा जादू टोना भी जानते थे या मंत्र विद्या भी जानते थे कि उन ओलों को अपने गाँव से डाइवर्ट कर देते थे। अगर ओले आपके गांव में तूफान आ रहा है, ओले पड़ रहे हैं, तो ओले वहां नहीं गिरेंगे बल्कि दूसरे गांव में, दूसरे क्षेत्र में गिर जाएंगे। तो ऐसे पंडितों को औली ब्राह्मण कहा जाता था। और दोस्तों जब कभी भी मुझे अभी भी याद है, बचपन में हम लोग भी मजाक में बोलते थे कि ओले पड़ गए, ओली लोगों को बुलाओ कुमाऊँ में। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूँ, आज भी हमारे कुमाऊँ में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये जो 3 ज़िले हैं, इनमें आज भी ऐसी परंपराएं हैं दोस्तों, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा जब चंद वंश की विशेषताएं और गोरखा वंश की, गोरखाओं की विशेषताएं। तो आज भी हम लोग चंदों और गोरखों की जो दस्तूर होते थे, उन लोगों के जो रिवाज होते थे, उनको फॉलो करते हैं आज भी कहीं ना कहीं। कैसे, क्योंकि दोस्तों वो इतना अत्याचारपूर्ण शासन करते थे कि हमको उस शासन की आदत पड़ गई। जैसे हम एक दिन कहीं जाते हैं तो ब्रश नहीं करते तो अजीब सा हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि आज के दिन हमारे पास बढ़िया बढ़िया टूथपेस्ट हैं इसलिए। लेकिन दोस्तों क्या हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, जब ब्रश नहीं होते थे तो क्या उनके मुंह से हमेशा बदबू आती थी, नहीं, क्योंकि वो कुल्ला करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि हमको जो है आदत पड़ गई किसकी, चंदों और गोरखों के समय की। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, आज भी अगर किसी की चोरी हो जाती है तो मंदिर में चले जाते हैं, ठीक है, पुलिस के पास नहीं जाते बल्कि मंदिर में चले जाते हैं। दोस्तों ये सब भी चंदों और गोरखों ने ही सिखाया था, आगे अजय रावत के बुक में भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो औली शब्द जो है दोस्तों आज भी प्रचलित है कहीं ना कहीं, लेकिन अब वैज्ञानिक युग आ गया है तो इन सब चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन दोस्तों औली ब्राह्मण, उस समय रुद्रचंद ने औली ब्राह्मणों को बनाया था ओलों को रोकने के लिए। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो औली ब्राह्मणों की स्थापना किसने की, रुद्रचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, हल्के में मत लेना। सामान्य जनता को पौड़ी 15 बिस्वा, दोस्तों एक नया अनोखा नाम दिया जाता था, जो सामान्य पब्लिक होती थी उसको कहते थे पौड़ी 15 बिस्वा। तो ऐसा नाम दे दिया पौड़ी 15 बिस्वा, किसने, रुद्रचंद ने। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
अनाज का 1/6 भाग दस्तूर के रूप में दिया जाता था। अब दोस्तों जिन लोगों को अगर याद है जो सही से पेपरों को देखते हैं, तो दोस्तों हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में, जो हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था 1 दिसंबर 2019 को, उसमें प्रश्न पूछा था दस्तूर का, लेकिन थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछा था कि चंद वंश के समय में। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं आपको विथ प्रूफ कह रहा हूँ, मैंने पिछली बार एग्ज़ाम में करा दिया था, ठीक है, जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें साफ साफ कराया था, और ये भी क्वेश्चन हूबहू फंस गया था। कल मैं पिछले साल के जो नोट्स है उसकी कॉपी का फोटो खींच करके और लिंक भी ग्रुप में डालूंगा, देख लीजिएगा अच्छे से, और वहाँ पर सुनिएगा भी मैंने क्या बोला था कि इम्पोर्टेंट है। सितंबर माह में मैंने पढ़ाया था उसको, और 1 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि दस्तूर जो है वो कर क्या है करके, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया था एग्जाम में। और दोस्तों मैंने क्या, ये अजय रावत की बुक से मैंने भी आपको पढ़ाया था, तो दोस्तों आप उतनी बड़ी मोटी बुक को नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने आपके लिए सार लेकर के आया हूँ। घरों में सेवादारों को छोड़े या छोड़ी कहा जाता था। आज भी कई जगह दोस्तों लड़कों को छोड़ा और लड़कियों को छोड़ी कहते हैं, तो दोस्तों बसंती छोड़ी आपने गाना भी सुना होगा। तो उस समय घरों में जो सेवादार होते थे, यानी काम वाली जो बाई होती थी या जो काम करने वाला लड़का होता था, उसे छोड़े या छोड़ी कहा जाता था। और दोस्तों भूदासों को कैनी कहा जाता था। दोस्तों पीसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है 2002-03 में कि कैनी किसे कहा जाता था। कैनी कहा जाता था भूदासों को। भूदास क्या हुआ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो गुलाम होगा और वो क्या करेगा, खेती करेगा गुलाम होकर के, उसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी भूदास, भू है जमीन का, दास आपके खेत पे काम करेगा और बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कहते थे कैनी, यानी खेत जोतेगा सब कुछ काम करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बधानगढ़ का युद्ध ये क्यों लिखा है दोस्तों मैंने, इसलिए लिखा है यह ऐतिहासिक युद्ध जो था रुद्रचंद के समय में ही हुआ, इस युद्ध को ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों रुद्रचंद ने क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, और गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया तो उस समय पवार वंश का जो राजा था दोस्तों वो था बलभद्र शाह, बड़ा ही महान शासक था दोस्तों, अपने नाम के पीछे शाह इसी ने लगाया था, ये प्रश्न भी हाल ही में पूछा गया था, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊँ, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा बधानगढ़ का युद्ध कब हुआ, तो आपका सही आंसर होगा 1581 ईस्वी में, लेकिन दोस्तों बहुत सारे इतिहासकार इस युद्ध को 1591 भी मानते हैं, तो आपको अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो 1581 करेंगे, और दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा तो जो भी मर्जी कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों इस युद्ध में होता क्या है कि रुद्रचंद का जो सेनापति होता है पुरुषोपंत, बड़ा ही वीर शासक होता है, बड़ा ही वीर जो है सेनापति होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है मैं उसको भी आपको बताता हूँ। दोस्तों इस युद्ध में जो पवार राजा होता है बलभद्र शाह, वह क्या करता है, कत्यूर घाटी का जो राजा होता है, एक शासक कत्यूर घाटी में एक कोई कत्यूर शासक होता है सुकाल देव, कहीं कहीं दोस्तों सुखल देव भी लिखा होता है, सुखाल देव भी लिखा होता है, लेकिन आपको मैंने क्या लिखा है दोस्तों, सुकाल देव लिखा है। अगर सुखल देव भी आपको लिखा हुआ मिलता है दोस्तों तो गलत नहीं होगा, तो दोस्तों उससे सहायता लेता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस कत्यूरी शासक ने बधानगढ़ के या ग्वालदम के युद्ध में पवार शासक की सहायता की थी, तो दोस्तों सुकाल देव था, उसकी सहायता ली थी, और दोस्तों उसकी सहायता से उन्होंने जो है रुद्रचंद को हरा दिया। लेकिन दोस्तों पुरुषोपंत क्या करता है, सुकाल देव को मार देता है, और लास्ट में खुद जो है वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कौन, पुरुषोपंत इसमें मारा जाता है। इस युद्ध में जीत किसकी होती है दोस्तों, जीत होती है बलभद्र शाह की, और बलभद्र शाह जो है जीत जाता है, और उसके बाद दोस्तों हार किसकी होती है, हार होती है रुद्रचंद की, भले रुद्रचंद मारा नहीं जाता है, उसके बाद रुद्रचंद का बेटा जो होता है दोस्तों लक्ष्मी चंद होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे लक्ष्मी चंद के बारे में। लक्ष्मी चंद दोस्तों अपने पिता का बदला लेने के लिए 7 बार आक्रमण करता है, वो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, और लक्ष्मी चंद को कहते हैं लखुली बिराली, उसके बारे में इसी में हम दोस्तों खतड़ुआ के बारे में भी कल आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्लास कैसी लगी बताइएगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ,
ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो पढ़ाइए, पढ़िए अच्छे से दोस्तों, और कोरोना का समय चल रहा है, घर पे ही रहिएगा, बाहर न जाइएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।